हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ ने भी अन्य कर्मचारियों के साथ ताल में ताल मिलाते हुए हड़ताल की चेतावनी देते हुए मांगे मानने को लेकर जिला प्रशासन के जरिए राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा है। संयुक्त कर्मचारी संघ की ओर से महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी राज्य सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप नियुक्ति देने पर उनके तमाम लाभ देने को लेकर हड़ताल की चेतावनी दी है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने दिए ज्ञापन में आरोप लगाया कि वसुंधरा सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सुरक्षा के साथ साथ सरकारी कर्मचारी का लाभ देने की घोषणा कर रखी है, लेकिन सरकार का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद भी तो सुरक्षा प्रदान की जा रही है और न ही कर्मचारियों के समान वेतन वृद्धि हुई है। इन लोगों ने दिया ज्ञापन में कहा कि अगर सरकार ने आचार संहिता से पहले उनकी मांगे नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएगी। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।